गुड मॉर्निंग क्लास 11th बेटा, चैप्टर नंबर 24 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर इज़ गोइंग ऑन. ओके, एंड टुडेज टॉपिक इज़ कमर्शियल सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर यूज्ड इन बिजनेस. ठीक है, कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं जो कॉमर्स में अकाउंटिंग में यूज़ होते हैं, ठीक है, या बिजनेस में यूज़ होते हैं, तो वो हम करेंगे. ऑल्दो अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ़ सॉफ्टवेयर यूज्ड इन बिजनेस आर अवेलेबल इन द मार्केट. आजकल बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर बिजनेस में यूज़ होते हैं और जो कि मार्केट में अवेलेबल होते हैं. फॉलोइंग आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड, मेनली 3 सॉफ्टवेयर्स बताए गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक सेपरेट शीट, वर्ड प्रोसेसर, डाटाबेस मैनेजमेंट. क्लियर, हम इलेक्ट्रॉनिक सेपरेट शीट करेंगे. बेटा इलेक्ट्रॉनिक सेपरेट शीट जो है, एक सेपरेट शीट जैसे एक्सेल में हम शीट देखते हैं लगभग उसकी तरह होती है, जिसमें रोज एंड कॉलम्स होते हैं. ठीक है, कॉलम का साइज़ हम इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं. क्लियर, और उसमें हम वेज शीट है, सेपरेट शीट है, या पेरोल है, वो जो है इजीली बनाई जा सकते हैं. इट इज़ अ टाइप of program of on a large sheet of paper. ये paper की large sheet होती है. ठीक है, there are various columns on the separate sheet and various figures are filled on these column. बहुत सारे columns होते हैं और बहुत सारे जो figures हैं वो उसमें feed की जा सकती हैं. एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज अकॉर्डिंग टू द नीड. नीड के अकॉर्डिंग, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कॉलम्स को इंक्रीज और डिक्रीज किया जा सकता है. सपोज हमें एक कॉलम की और रिक्वायरमेंट है तो वी कैन इंसर्ट वन मोर कॉलम, और अगर वो एक्सेस है तो वी कैन डिलीट. द इलेक्ट्रॉनिक सेपरेट शीट इज़ वेरी यूजफुल इन सिचुएशंस वेयर सम फिगर्स आर रिलेटेड टू ईच अदर. ठीक है, जब फिगर्स एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होती है तो वहाँ पे ये बहुत ही सही रहता है. जैसे मान लो व्हाट इफ़ अ सेपरेट शीट ऑफ फर्स्ट रिप्लाइज टू व्हाट इफ़ क्वेश्चन. ठीक है, कोई व्हाट इफ़ का क्वेश्चन रियलाइज होता है. जैसे पे शीट बनाई है, वेजेस की शीट बनाई है, और आपने उस जो वेजेस है वो 10% से इंक्रीज करनी है, तो आप जस्ट एक फॉर्मूला रखेंगे. ठीक है, और उससे आपके पास ये आ जाएगी कि 10% वेजेस इंक्रीज करने से टोटल आपकी कितनी एडिशनल कॉस्ट बढ़ेगी, तो यू कैन फाइंड इजीली थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक सेपरेट शीट. तो डिफरेंट शीट्स बताई गई है, क्या क्या यूटिलिटी होती है, क्या क्या यूजेस होते हैं इनके. फर्स्ट वन इज़ पेरोल अकाउंटिंग. इट इज़ पेरोल अकाउंटिंग मतलब सेपरेट शीट में सैलरी है जो एम्प्लॉयज़ की, वो बनाई जा सकती है. ठीक है, इट इज़ यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग द सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय इन अ सेपरेट शीट. वन रो इज़ यूज्ड फॉर ईच एम्प्लॉय. एक जो रो होती है बेटा, रो ऐसे लंबी होती हैं और कॉलम्स ऐसे स्टैंडिंग होते हैं. ठीक है, जैसे ये है, ये कॉलम है, इसमें 3 कॉलम्स हैं. ठीक है, जिनके नाम दे रखे हैं, और रोज अगर हम बोले तो ऐसे ऐसे ये वाली रो होती है. क्लियर. तो जैसे डिफरेंट कॉलम्स में बेसिक पे DA, डेयरनेस अलाउंसेस, ठीक है, महंगाई भत्ता जिसे हम बोलते हैं, हाउस रेंट अलाउंस, अदर अलाउंसेस, ग्रॉस सैलरी, कोई डिडक्शंस है, और फिर उसके बाद नेट अमाउंट पेएबल, कितना अमाउंट पे किया जाएगा एम्प्लॉयज़ को, वो आता है. इफ़ द कॉलम्स ऑफ नेम एंड बेसिस ऑफ पे आर फिल्ड, द सेपरेट शीट विल बी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अदर कॉलम्स अकॉर्डिंग टू द गिवन फार्मूलाज. ठीक है, अगर बेसिक पे वहाँ फिल कर दी जाती है और हमें पता है कितने परसेंट TA होता है, इतने परसेंट हाउस रेंट अलाउंस होता है, तो वो ऑटोमेटिकली ग्रॉस सैलरी और जो है नेट सैलरी कैलकुलेट कर देते हैं, वहाँ सब कुछ मैनुअल नहीं किया जाता. बेटा नेक्स्ट आता है रिकैलकुलेशन इफ़ सम वैल्यूज़ आर चेंज्ड. अगर कुछ वैल्यूज़ चेंज हो जाती है तो वो ऑटोमेटिकली रिकैलकुलेट कर देता है. जैसे अभी मैंने बोला था कि अगर वो वेजेस को 10% से इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली शो कर देगा कि हमारे टोटल कॉस्ट में कितना डिफरेंस आएगा. या जैसे DA चेंज हो जाता है, मान लो पहले 5% से मिलता था, अब 8% से मिलता है, तो वो एक बार जस्ट उसमें डालने की ज़रूरत है कि DA जो है वो 8% रहेगा, तो ऑटोमेटिकली हर जगह पे चेंजेस कर देगा उसके अकॉर्डिंग. नेक्स्ट है ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन. डेटा इन द सेपरेट शीट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स, चार्ट्स और डायग्राम्स. ठीक है, क्योंकि ग्राफ के थ्रू भी चार्ट या डायग्राम बना के भी यहाँ से फिगर्स को क्लियर किया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल द फिगर्स एंड ट्रेंड ऑफ द प्रॉफिट और सैलरी कॉस्ट कैन बी ड्रॉन इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ. किसी भी बिजनेस की जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, वो ग्राफ के थ्रू शो हो सकता है, या सैलरी कॉस्ट है,
ठीक है, या सेल्स है, ठीक है, जो भी पॉइंट्स वो शो करना चाहे वो इजीली शो कर सकते हैं. दीज ग्राफ्स कैन बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन एंड कैन ऑल्सो बी प्रिंटेड ऑन अ शीट ऑफ पेपर. इसको स्क्रीन पे भी शो किया जा सकता है या पेपर पे उसका प्रिंट आउट भी लिया जा सकता है. नेक्स्ट आता है डेप्रिशिएशन अकाउंटिंग. सेपरेट शीट का यूज़ डेप्रिशिएशन के लिए भी किया जाता है. फॉर सेलेक्टिंग द प्रॉपर मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिशिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट. जो भी फिक्स्ड एसेट्स हैं उन पे प्रॉपर डेप्रिशिएशन का कौन सा मेथड यूज़ होगा, वो मेथड लगा के और ऑटोमेटिकली वो डेप्रिशिएशन जो है कैलकुलेट कर देता है हमारा सिस्टम. नेक्स्ट आता है बजटिंग एंड फाइनेंशियल फोरकास्टिंग. बेटा बजट जो है वो पास्ट के लिए बनता है, जो ऑलरेडी हो चुका है उसको रिकॉर्ड करना बजट कहलाता है. और फोरकास्टिंग होती है कि इन फ्यूचर में हम किस तरीके से उसे यूज़ करना चाहते हैं या इन फ्यूचर में हम किस तरीके से रखना चाहते हैं, वो बजटिंग होता है. तो सेपरेट शीट के थ्रू हम एनालिसिस कर सकते हैं फ्यूचर की सेल्स का, प्रॉफिट का, ठीक है, और पीछे कैसे हुआ है उसके लिए हम बजट प्रिपेयर कर सकते हैं. ओके, सो बेटा नेक्स्ट वर्ड प्रोसेसर वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल द टाइम थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू.